मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई थी कि कैसे शेयर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोस्पेक्टस वगैरह के वजह से, और फिर पब्लिक जो है शेयर्स उसको एप्लीकेशन देती है, किसको देती है, कंपनी। अब कंपनी किसको देना है किसको नहीं देना कंपनी की मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी है तो मेरे को ही मिलेगा शेयर, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। कंपनी जिसको चाहे उसको ले सकती है, ठीक है। अब बात ऐसे आ जाती है कि सपोज करो कि किसी शेयर होल्डर ने, कोई शेयर होल्डर है जिसने 10,000 शेयर खरीदे, 10,000 शेयर खरीदा वो भी 50 ईच। मैंने बोला है कि फेस वैल्यू, मैं आपको फेस वैल्यू बता रहा हूँ क्या होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जहां कंपनी विदाउट प्रीमियम शेयर इशू कर रही है, विदाउट प्रीमियम मतलब इससे नीचे नहीं गिर सकती, ठीक है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। 10 फेस वैल्यू मतलब 10, ठीक है, 10 रुपए फेस वैल्यू। इससे ऊपर रख सकती है कंपनी, चाहे फेस वैल्यू 20 भी बना सकती है, 30 भी बना सकती है, 40 भी बना सकती है और 50, लेकिन इससे नीचे नहीं बना सकती। क्लियर है मेरी बात? तो कह रहा है कि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी मिस्टर ए है, इसने 10,000 शेयर खरीदे और 50 ईच बोला, तो इसका मतलब है इस बंदे से मुझे कितने रुपए लेने पड़ेंगे? अगर आपको 5 लाख या 5 लाख रुपए लेने, यानी मिस्टर ए ने हवे हवे में हवाबाजी में 10,000 शेयर खरीद लिए और एक शेयर के बदले उसको कितने रुपए देने पड़े? 50, यानी फेस वैल्यू 50 है, फेस वैल्यू 50, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत, मैंने आपको ये भी बताया था कि 10,000 ये शेयर होता क्या है, शेयर्स मतलब जब कंपनी को पैसों की नीड यानी फाइनेंस की नीड होती है तो पब्लिक को ऑफर करता है कि आप मेरे कंपनी में ऑनर बन जाओ, बदले में आपको एक रकम देनी पड़ेगी, जितना परसेंट आप ऑनर बनोगे उतना परसेंट आपको रकम देनी पड़ेगी और बदले में जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसका डिविडेंड आपको पे कर दिया जाएगा। और ये जितने भी शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स पे बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कम ही चांसेस होते हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ऑनर खुद रख लेता है क्योंकि पहला राइट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें तो मैंने कहा यहाँ पे 10,000 × 50 5 लाख रुपए हो गए, 5 लाख रुपए कैश को जेब में लेके इतना तो घूमता नहीं। अब वो ये कहता है मिस्टर ए, कहता सर चलो ठीक है मैंने आपसे 5 लाख के शेयर्स खरीदे, तो ये बताइए कि मेरे को 5 लाख इकट्ठे देने हैं क्या? बट रियल लाइफ में इकट्ठे देने पड़ते हैं, रियल लाइफ में जब आप शेयर्स खरीदोगे तो इकट्ठे पेमेंट करने पड़े जिसको बोलते हैं लमसम। बट बुक है हमारी, बुक पुरानी सिलेबस है, चलते हुए जा रहे हैं हम अपना कहानी। तो इस बंदे को थोड़ा सा राहत दिया जाता है, राहत इसलिए कि इस बंदे ने कुछ पैसे तो एप्लीकेशन में दिए होंगे, अब इसको शेयर अलॉट हो गया तो कुछ पैसे कहां लिए जाएंगे? अलॉटमेंट में। अब फिर उसके बाद अगर कुछ बचा तो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मतलब सामने वाले को